हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोना को इफेक्ट करते हैं, फिर इसकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज, एप्लीकेशन और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट। तो ये हमें आज की इस वीडियो में देखना है। तो मैं काम करता हूँ, जितना हमने पहले लास्ट क्लास में वीडियो में जितना पढ़ा था उससे जल्दी से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ चीज़ों को, मीन्स एक क्विक रिविजन देख लेते हैं उसका, फिर हम आगे अपनी फर्दर वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो हमने क्या देखा था कोरोना के बारे में? तो हमने कोरोना में क्या देखा, कोरोना एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर हमें कंडक्टर के अक्रॉस में एक वायलेट ग्लो या फिर हीजिंग नॉइज़ सुनाई देती है और वहाँ पर ओजोन गैस का प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, जब ये कोरोना जहाँ पर फॉर्म हो रहा होता है वहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि एसी के केस में हमारे जितने रफ पॉइंट हैं वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो होते हैं, और इन डीसी में क्या देखा था हमने कि जो हमारे पॉजिटिव जो कंडक्टर होता है उस पर तो जो ग्लो है ये वायलेट ग्लो जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो हमारा नेगेटिव कंडक्टर होता है उस पर स्पॉटी, मीन्स कहीं पे ज़्यादा ग्लो है कहीं पर है ही नहीं, उस टाइप का होगा, स्पॉट स्पॉट बने होंगे ग्लो का। और फिर उसके बाद हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कोरोना में कि हमारी नॉर्मल कंडीशन में एयर में जो है कुछ आयनाइज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, आयन पॉजिटिव आयन्स हो गए, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो होते ही होते हैं जो कि हमारे कॉस्मिक रेज या फिर यूवी रेज वगैरह होती हैं उनकी वजह से होता है। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में मैं बता रहा था आपको, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, जो वोल्टेज चेंज आया तो मीन्स जो वोल्टेज के चेंज का रेट जो है वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई होता है किसी कंडक्टर में तो वहाँ पर क्या है हमारा कि एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है सेटअप हो जाता है, और देखते हैं कि जो फ्री आयंस है जिसमें जब वोल्टेज बढ़ाते हैं हम तो उस फ्री आयंस की वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है इस फील्ड की वजह से और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। तो एक ऐसा वोल्टेज हम पे जब पहुँचते हैं कि जब उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इतनी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल पार्टिकल को हिट करे और वो उसके न्यूट्रल पार्टिकल के जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है उसे भी वहाँ से एक्साइट कर दे, मीन्स वहाँ से भी उसे भी निकाल दे और वो भी फ्री हो जाए। तो अगर यही प्रोसेस जो है हमारा कम्युलेटिवली होता रहता है तो हमारा वहाँ पे ये हमारा वॉयलेट ग्लो है और ये हीजिंग नॉइस हमें सुनाई देती है, और अगर ये ऐसे ही मतलब मीन्स वोल्टेज बढ़ता रहा और ये होगा और तो मीन्स अगर वहाँ पर जो दो कंडक्टर होंगे हमारे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पर जो एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ पर स्पार्क हो जाएगा। तो ये तो हमारा था कोरोना फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर उसके बाद हमने कुछ देखा था इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें हमारी पहली टर्म जो थी हमारी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज था, जिसे हम VCU से डिनोट कर रहे थे, जो कि हमारा फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज था जिस पे कोरोना हमारा अकर हो रहा था, मीन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा था। तो हमने इसके बाद इसके फॉर्मूला वगैरह देखा था। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो था हमारा V/R log E dR था, ये रहा हमारा फॉर्मूला, और जिसमें आर जो हमारा है इस कंडक्टर का रेडियस था और जो डी था दो कंडक्टर के बीच में जो हमारा सेपरेशन है वो था, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारी कोरोना की वैल्यू कब फॉर्म होगा, जब हमारे एयर का ब्रेकडाउन होगा, मीन्स जो उसके आयन्स हैं उसके कंडक्टर के अराउंड में जो मैंने अभी बताया फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन्स, वो जब एक सफिशेंट वेलोसिटी अचीव करेंगे, इतना वोल्टेज होना चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इतनी एक वेलोसिटी अचीव कर ले कि जब वो न्यूट्रल पार्टिकल को स्ट्राइक करें तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, मीन्स वहाँ से एक्साइट कर सके इलेक्ट्रॉन को। तो वो वोल्टेज क्या है, 30 kV/cm मैक्सिमम वोल्टेज की जब बात करते हैं जब के लिए, और 21.2 kV जब हम RMS वैल्यू की बात करते हैं जब के लिए। तो जो ये बात हो रही थी हमारी, तो ये एक हमारी कंडीशन है स्पेशल स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है, जिस ये स्पेशल कंडीशन कब की है, जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है और 76 सेंटीमीटर जो हमारा HG का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब ये वाला वोल्टेज काम मतलब इस वोल्टेज पे इसका ब्रेकडाउन होगा। अगर ये कंडीशन चेंज होती है तब हमारी ये वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब आती है बात कि भाई तो इस वोल्टेज की मान लो हम बात कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज पे तुम्हारा कोरोना मान लो फॉर्म होने लगेगा क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इसे हम क्या मानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे V था उसे हम VC मान लेते हैं, ठीक है, जिस पे V से ही यहाँ पर VC मान लेते हैं, और G की वैल्यू जो है G0 टक ली क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो G0 इज इक्वल्स टू VC/R log E dR हो गया। और अगर यहाँ से हम BC मीन क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की वैल्यू लिखें तो ये वाली टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हमें हो जाएगी, यही लिखा है यहाँ पे।
फिर मैंने बात की थी कि अगर मान लो कंडीशन जो है चेंज होती है, तो वहाँ पर दो फैक्टर आए थे, एक हमारा डेल आया था जो एयर डेंसिटी फैक्टर था, और एक हमारा एम नोड था जो इरेगुलेटरी फैक्टर था। जो इरेगुलेटरी फैक्टर था वो सरफेस की कंडीशन के लिए था, और ये था ये एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है उसके लिए था। यहाँ पर क्या था, हमने इसकी वैल्यू देखी थी कि स्मूथ सरफेस के लिए 1 थी और इरेगुलर सरफेस के लिए हमारी लेस देन 1 थी, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। कुछ नहीं करना था हमें, यहाँ पर डेल और एम नोट की मल्टीप्लाई कर देनी थी बस। तो ये हमारा फाइनल, हमारा इसका फॉर्मूला आ जाता क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज का, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था उसे। और उसके बाद हमारा सेकंड टर्म जो था विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, हमने क्या देखा कि ये जो है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज वो फेज टू न्यूट्रल मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पे हमारा कोरोना ग्लो जो है अपीयर होने लगता है, मीन्स दिखने लगता है। तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा कैपिटल वी वी इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पर अनोदर एक रेगुलेटरी, एक हमारा यहाँ पर दूसरा इरेगुलेटरी फैक्टर था, यहाँ पर एम नोट था, यहाँ पर हमारा एम वी है, वही है, सेम है। मीन्स यहाँ पर उसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं थोड़ी चेंज आती है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू वो देख रखेगा क्वेश्चन। तो जी नोट जो हमने पढ़ा कि एयर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो, डेल जो हमने पढ़ा कि एयर डेंसिटी फैक्टर है, आर उसकी रेडियस, ये हमारा फैक्टर है, यहाँ पर डेल आर है, और 1 + में 0.3 अपन में डेल अपन आर। फिर उसके बाद लॉग ई डी बाई आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये केवी पर फेज में होता है, मीन्स ये पर फेज की बात हो रही है, वोल्टेज है केवी में ही होगा लेकिन ये पर फेज की बात हो रही है, ये था। फिर इसके बाद हमने देखा था कोरोना लॉस के कारण जो पावर लॉस होता है उसके बारे में। तो जो हमारा पावर लॉस होता है वो बेसिकली लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, और केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन से मेरा मतलब था ओजोन जो लेयर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, तो वो केमिकली एक्शन होता है, तो उससे था मेरा मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर बात आती है फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा ये था पी इक्वल्स टू 242.2 ब्रैकेट में एफ प्लस 25 अपॉन में डेल, फिर मल्टीप्लाई में था हमारा रूट आर बाई डी ब्रैकेट में वी माइनस वी सी स्क्वायर इंटू में 10^-5 किलोवाट किलोमीटर पर फेज। यह हमारा इसका फॉर्मूला था जो कि फेयर वेदर के लिए था। अगर आपको इतना ही याद रखना है तो आप इतना भी याद कर सकते हो, ये मैंने एडिशनली में बता दिया था। तो इसमें कुछ और ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, इसकी वैल्यू चेंज हुई थी, जहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होकर हमारी 224 हो गई थी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 वी सी के आगे 0.8 आ गया था, और कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एफ जो था वो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, और वी जो है हमारा फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज था, और जो मीन्स वी कैपिटल वी जो हम उसमें पढ़ रहे थे स्ट्रिंग इफिशियंसी में, बार बार मैं फेज वोल्टेज बोल रहा था, वही है ये भी। वी सी, वी सी हमारा जो अभी हमने पढ़ा पहला जो पॉइंट था हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज वो है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू आरएमएस वैल्यू में है। तो ये तो हमारा हो गया पावर लॉस ड्यू टू कोरोना के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, तो देखते हैं क्या हम कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इसका, मान लो एटमोसफेयर पे डिपेंड करता है ये, तो एटमोसफेयर, एटमोसफेयर पे कैसे डिपेंड करता है, जब हमारा वेदर कंडीशन जो है स्टोमी होती है, स्टोमी, स्टोमी वेदर के लिए जो कोरोना है हमारा जल्दी अकर होने लगता है, मीन्स कम वोल्टेज पे ही कोरोना फॉर्मेशन होने लगता है। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, द वोल्टेज, लेस वोल्टेज पर ही हमारा कोरोना होने लगता है, कोरोना अकर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा स्टॉर्मी वेदर में, मीन्स जब हमारी बारिश का मौसम होता है, बिजली कड़क रही होती है, या फिर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है मौसम की, तब वहाँ पर क्या होता है कि हमारे वेदर में, मीन्स हमारी जो एयर है वहाँ पर जो आयंस थे, जो फॉर्मेशन में, जब हमें कोरोना के फॉर्मेशन में जब बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पर देख रहे थे कि जो आयंस, फ्री आयंस थे, उसकी जो नंबर ऑफ फ्री आयंस जो हमारे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इन इन दिस कंडीशन मोर आयंस प्रजेंट, सॉरी, प्रजेंट इन एयर। तो ये हमारी होगी एटमोसफेयर अगर स्टोमी वेदर है। अगर फेयर वेदर होगा तब फेयर वेदर की कंडीशन में क्या होगा कि हाई वोल्टेज कोरोना फॉर्मेशन के लिए, हाई वोल्टेज मीन्स हाई वोल्टेज पे कोरोना फॉर्मेशन होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट, कंडक्टर साइज पे, साइज की बात करें तो अगर उसका डाया, मीन्स अगर डाया ज़्यादा है कंडक्टर का, मोर डाया मीटर, तो
हमारा कोरोना जो है तो हमारा जो कोरोना है कम होगा। अगर हमारा जो डायमीटर है ज़्यादा कर दें तो कोरोना जो है कम होगा, मीन्स ज़्यादा वोल्टेज पे होगा कोरोना, हमारा स्टार्ट ज़्यादा वोल्टेज पे होगा, मीन्स कोरोना जो है मोर डायमीटर के लिए कम हो गया। अगर हम बात करें कि अगर डायमीटर कम है, लेस डायमीटर की बात करें तो कोरोना ज़्यादा होगा, मीन्स कम वोल्टेज पे ही कोरोना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई सरफेस के बारे में, सरफेस से रिलेटेड, सरफेस से तो कंडक्टर सरफेस से बात हो रही है यहाँ पे। अगर कंडक्टर सरफेस जो है हमारा स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस, तो कोरोना जो है कम होगा, मीन्स ज़्यादा वोल्टेज पे होगा। और अगर हम बात करें कि अगर इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस, तो हमारे कोरोना का फॉर्मेशन है वो जल्दी होने लगेगा, मतलब कम वोल्टेज पे ही कोरोना फॉर्मेशन होने लगेगा, कोरोना फॉर्मेशन जल्दी होगा, मीन्स ज़्यादा होगा। और ये क्यों होगा इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है इसके केस में, इसकी वजह से यहाँ पर कोरोना जल्दी होने लगता है, कम वोल्टेज पे होने लगता है। तो कहीं आप ये मत समझ लेना कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर डायमीटर ज़्यादा है तो कोरोना ज़्यादा वोल्टेज पे होगा, मीन्स कम होगा, और लेस डायमीटर होगी तो कोरोना जो है हमारा ज़्यादा होगा, मीन्स कम वोल्टेज पे ही स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा होगा कोरोना। अगर सरफेस के रिगार्डिंग देखें तो स्मूथ सरफेस होगा तो हमारा कोरोना जो है कम होगा, मीन्स ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा कोरोना फॉर्मेशन के लिए। अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो कोरोना जो है हमारा ज़्यादा होगा, मीन्स लेस वोल्टेज पे ही कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये था मेरा, ठीक है। आप इसे लिख लेना, अगर नोट कर रहे हो तो एक पॉइंट बना के लिख लेना आप, तो जैसी अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, तो अगर हम क्या करें कि कोरोना जो हमारे कंडक्टर का बीच में डिस्टेंस है उसे बढ़ा दें तो कोरोना जो है हमारा कम हो जाएगा, मीन्स जितना कंडक्टर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कोरोना उतना कम होता जाएगा। अगर मैं लिख दूँ कि अगर हम मान लो बहुत दूर कर दें तो कोरोना ना भी हो सकता है, तो मैंने जो भी आपको बात बताई कि अगर स्पेस के उसके बीच में कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है हमारा डिस्टेंस वो बढ़ा दें तो कोरोना हमारा कम हो जाएगा, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो कोरोना ना के बराबर हो जाएगा हमारा, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अब आती है चौथा पॉइंट जो है हमारा, जिस पे कोरोना जो है डिपेंड करता है या फिर अफेक्टेड होता है उससे, लाइन वोल्टेज से। मेन पॉइंट तो यही था, अगर हम लो वोल्टेज पे अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं तब तो कोरोना होता ही नहीं। अगर हम लाइन वोल्टेज अगर कम है उसकी बात करें तो लाइन वोल्टेज इज लेस, जबकि बात करें तो हमारा जो है कोरोना होगा ही नहीं, नो कोरोना। अगर हम बात करें कि लाइन वोल्टेज इज हाई जो है हमारा कोरोना होगा, अगर अब कोरोना फॉर्मेशन के लिए वोल्टेज जो है हमारा 30 kV/cm है, मैंने आपको बताया यार इस पे ब्रेकडाउन हो जाती है उसके बाद कोरोना फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, ये हमारे 4 फैक्टर थे जिस पे हमारा कोरोना डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, मैं एक बार सब चीज़ों को जल्दी से समराइज कर देता हूँ। तो एटमोसफेयर पर डिपेंड करता है, तो अगर स्टॉर्मी वेदर होगा तो उसमें ज़्यादा एयर प्रेजेंट होंगे तो लेस वोल्टेज पे कोरोना हमारा होने लगेगा, अगर फेयर वेदर है तो हाई वोल्टेज पे होगा। कंडक्टर साइज की बात करें अगर डायमीटर उसका ज़्यादा है तो कोरोना कम होगा, मीन्स हाई वोल्टेज पे होगा, अगर कम उसका डायमीटर है तो कोरोना जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, मीन्स लेस वोल्टेज पे कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो स्मूथ सरफेस है तो कोरोना जो है हमारा कम होगा, मीन्स हाई वोल्टेज चाहिए होगा कोरोना फॉर्मेशन के लिए। और अगर इरेगुलर सरफेस है तो ये कोरोना ज़्यादा होगा, मीन्स लो वोल्टेज पे ही कोरोना स्टार्ट हो जाएगा इरेगुलर सरफेस होगा तो। अब स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, अगर स्पेस जो है कंडक्टर के बीच, दो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग जो है हम अगर बढ़ा दें तो कोरोना जो है हमारा कम हो जाएगा। और लाइन वोल्टेज की बात करूँ, लाइन वोल्टेज अगर हमारा कम होगा तो कोरोना होगा ही नहीं, अगर लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा कोरोना हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा था फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। चलिए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूँ तो पहला एडवांटेज ये होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कंडक्टर होता है अगर उस पर वोल्टेज हाई होता है तो उसके क्रॉस में पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है और उसके आयन जो है साइड के आयनाइज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो कंडक्टर का सराउंडिंग एरिया है वो हमारा एक वर्चुअल कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। मीन्स क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ड्यू टू कोरोना डायमीटर ऑफ द इज इंक्रीज सो इलेक्ट्रो स्टेटिक स्ट्रेस बिटवीन कंडक्टर्स इज रिड्यूस। तो मैंने क्या लिखा है कि कोरोना की वजह से हमारा जो मैंने बताया कि उसके आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, मीन्स जिसमें से फिर इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं उसमें बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि एक वर्चुअल डायमीटर मीन्स उसकी डायमीटर एक्चुअल डायमीटर से उसकी जो डायमीटर है वर्चुअल डायमीटर बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है दोनों कंडक्टर के बीच में वो कम हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ दूसरे एडवांटेज की तो स्टेफनेस ऑफ सर्ज रिड्यूस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टेफनेस ऑफ सर्ज रिड्यूस। अभी एक ये वाला पॉइंट जो आप याद कर लो, जब हम सर्ज के बारे में पढ़ेंगे आर्किंग के बारे में पढ़ेंगे जब मैं क्या होता है, चलो मैं कोशिश करता हूँ बताने की आपको कि जो हमारा सर्ज होता है मीन्स जो आर्किंग होती है मैंने बताया वहाँ पर वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे, जो उसका कर्व बनता है ना वो जो शार्पनेस होती है उस कर्व की स्टेपनेस होती है वो कर्व की कोरोना की वजह से वो कम हो जाती है। बस यही था ये, और ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता है इसलिए मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखना और ये थ्योरी के लिए तो आप लिख ही सकते हो ये कि स्टेपनेस सर्ज की रिड्यूस होती है, ये इसकी एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहले डिसएडवांटेज तो यही थी हमारी कि पावर लॉस होता है, लॉस ऑफ पावर, और जिसकी इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी जो है या फिर ट्रांसमिशन की हमारी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस ओजोन का प्रोडक्शन, ओजोन इज प्रोड्यूस, इससे हमारा क्या घाटा है कि इसके प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर कुछ केमिकल एक्शन होते हैं तो कंडक्टर जो है हमारा कोराइड हो सकता है उसकी वजह से, मीन्स इट में काउज कोरिजन ऑफ कंडक्टर। तो ये कोरिजन का कारण बन सकता है क्योंकि ड्यू टू केमिकल एक्शन। ठीक है, और डिसएडवांटेज होती है इसकी कि जो हमारा कोरोना होता है उसकी वजह से उसके सरफेस पे नॉन साइनसोइडियल वेव जो प्रोड्यूस होती है जो फ्लो करती है तो उसकी वजह से जो वहाँ के नियर बाय कम्युनिकेशन जितने इक्विपमेंट होंगे उसके अंदर जो है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू कोरोना नॉन साइनसोइडल करंट फ्लो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इससे घाटा क्या है, इट में काउज इंडक्टिव इंटरफेरेंस विद नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन कम्युनिकेशन लाइन्स। तो आपने कभी कभी जो रेडियो में
नॉइस सुनी होगी, जो अलग सा वो डिस्टरबेंस होता है, या टीवी में भी होता है कभी कभी, तो वो प्रोड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। वो हो सकता है जो ये नॉन साइनसोइडल करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया आपको, एक बताया कि जो हमारा कंडक्टर था उसके साइड जो आसपास के सराउंडिंग के पार्टिकल थे वो आयनाइज हो जा रहे थे, जिसकी वजह से उसके जो वर्चुअल डायमीटर है वो इंक्रीज हो जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, तो इसका पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज क्या था कि जो स्टिफनेस ऑफ सर्ज रिड्यूस हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कई बार जो हमारे JEE के एग्ज़ाम है उसमें कई बार ये हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाता है। तो आप अगर कोरोना के एडवांटेज की बात कर रहा है तो आप बस यही ढूंढना कहाँ वो सर्ज की बात कर रहा है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि पावर लॉस इसमें होता है, जैसे कि हमने फॉर्मूला भी देखा था उसका, और उसकी वजह से क्या है हमारी ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर ओजोन का प्रोडक्शन होता है, वो क्या है कि हमारे जो कंडक्टर है उसके कोरोजन का कारण बन सकता है। तो और क्यों बनेगा, क्योंकि ओजोन, वो जो ओजोन का प्रोडक्शन है वो एक केमिकल एक्शन है उसकी वजह से। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड डिसएडवांटेज था, जो कोरोना का जो सरफेस पे जो हमारा एनआईस पार्टिकल थे वो नन, जो हमारे अंदर करंट फ्लो होता है वो तो साइनसोइडल होता है, लेकिन उसके सरफेस पे जो हमारा वर्चुअल कंडक्टर बना है उस पे जो है करंट जो है वो पूरी तरह साइनसोइडल नहीं होता। तो जो वहाँ पर नॉन साइनसोइडल करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो हमारी नियर बाई इंटरफेरेंस लाइन होंगी वो इंटरफेरेंस उसके साथ हो सकता है। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे। अगर मैं बात करूँ कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट की, तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना इफेक्ट, हमने पहले देखा जैसे कि पढ़ ही चुके हैं सब कुछ लगभग, तो कोई बात नहीं पड़ी कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे। तो पहले जो हमारा पॉइंट हो जाएगा कि या तो हम उसके कंडक्टर का साइज इंक्रीज कर दें, मीन्स डायमीटर जो है उसका इंक्रीज कर दें बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, ठीक है, और या तो दोनों कंडक्टर के बीच के हम जितने कंडक्टर के बीच का जो हम डिफरेंस है ना, मीन्स डिस्टेंस जो उनका वो इंक्रीज कर दें बाय इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। तो ये हो गया इसके इम्प्रूवमेंट के मेथड। ये तो ऑब्वियस सी बात थी, हमने पहले फैक्टर अफेक्टिंग में देख लिया था। यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि हम क्या करेंगे, कि एक अल्ट्रा हाई, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो है हमारा उसमें हम कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करें, मतलब कैसा कंडक्टर यूज़ करेंगे। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम होलो कंडक्टर यूज़ करते हैं, और हाई वोल्टेज के लिए हम कंपोजिट कंडक्टर यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम बंडल टाइप यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है कि जैसे मैंने वहाँ पे बताया था स्टेफनेस ऑफ सर्ज रिड्यूस हो जाता है, वो एक्स्ट्रा था, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन है, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिनिमाइज कोरोना इफेक्ट। तो हम हाई वोल्टेज अगर लाइन है तो हम कंपोजिट कंडक्टर यूज कर लेंगे, अगर वहीं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो हम बंडल टाइप कंडक्टर यूज कर लेंगे, बंडल टाइप कंडक्टर। अगर यही बात करें हम अल्ट्रा हाई की तो वहाँ पर हम होलो कंडक्टर यूज करते हैं। ये तो जो था एक्स्ट्रा था, तो आप देख सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्टिव, अगर आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स अगर डिप्लोमा और बीटेक की थ्योरी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछ लेता तो मैंने यहाँ लिखवा दिया कि हाई वोल्टेज में हमारा कंपोजिट टाइप कंडक्टर यूज़ होता है, एक्स्ट्रा हाई में बंडल टाइप, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज में होलो टाइप। अगर ये मतलब ये कंडक्टर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कोरोना लॉस जो है कम रहेगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना, और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना के बारे में। और मैं सॉरी एप्लीकेशन भूल गया, एप्लीकेशन ऑफ कोरोना। तो एप्लीकेशन ये हमारी ओजोन गैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, और सेफ्टी वॉल्व वगैरह में यूज कर लेते हैं इसका, ओजोन इसका कोरोना इफेक्ट का, और प्लास्टिक सरफेस ट्रीटिंग के ट्रीटमेंट के लिए, प्लास्टिक सरफेस ट्रीटमेंट में कोरोना का यूज़ होता है। तो ये एप्लीकेशन थी इसकी, तो मैं लिख के ऑर्डर दूँ एप्लीकेशन इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ।
एप्लीकेशंस में तो यूज इन प्लास्टिक सरफेस ट्रीटमेंट रेंडरिंग वगैरह में यूज होता है प्लास्टिक सरफेस के, और ओजोन गैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इंडस्ट्री और सेफ्टी वॉल्स वगैरह में इसका यूज हो जाता है, सेफ्टी वॉल्स वॉल्व्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो में सब क्लियर होगा, अगर फिर भी आपका कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।